पहले हम चार टमाटर और दो प्याज ऐसे बॉईल कर लेंगे अच्छे से। प्याज और टमाटर को फिर हम पीसेंगे मिक्सर में। हम दो ही प्याज डाल रहे हैं यहाँ पे ताकि मीठा ना बन जाए पनीर। ये हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल सिंपल पनीर की ग्रेवी होती है जो वो। पानी पूरे अच्छे से सूख जाना चाहिए और कुछ इस तरह लगेगा ये बॉईल हो जाने के बाद। फिर आपको इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीसना है। अभी ये कुछ ऐसा दिखेगा। पूरा बॉईल हो जाने के बाद हमने पानी ड्रेन कर दिया है और उबला हुआ प्याज और टमाटर ऐसा दिख रहा है। अभी हम इसे ग्राइंड करेंगे अच्छे से। तो जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमने पनीर को काट के ऐसे रख दिया है स्क्वायर क्यूब करके। आप देख सकते हैं जो पिसा हुआ टमाटर और प्याज है वो मिक्सर में हमने ऐसे एक पेस्ट बना लिया है। कसूरी मेथी और किचन किंग मसाला और धनिया का जो पाउडर है वो ले लिया है और जो नमक है वो हम स्वाद अनुसार डालेंगे। यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक अदरक लहसुन का जो थोड़ा सा मिंस करके डाल दिया है। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा पनीर। सिंपल जो पनीर है ये रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बनने वाला है एकदम लाजवाब। अभी हम वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तीन टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल लीजिए गरम तवे पे। एक टीस्पून और एक टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालिए जो हमने किया था मिंस जिंजर गार्लिक सॉरी पेस्ट में। इसको अच्छे से भुने। अभी आप जो पिसा हुआ टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया था वो पूरा डाल दीजिए। ये एक कप पिसा हुआ हमने चार टमाटर लिए थे और दो प्याज लिए थे। अच्छे से मिलाएं। मीडियम फ्लेम में आप अच्छे से जो टमाटर का पेस्ट टमाटर प्याज का पेस्ट है वो मिलाएं। नमक स्वाद अनुसार डालिए। और कोरिएंडर पाउडर जो है वो एक टेबलस्पून डालिए। थोड़ी सी हल्दी डालिए। हल्दी हल्का सा डालना है। अब इनको इसको अच्छे से मिलाइए अच्छे से भुने। मसाले के साथ जो पेस्ट है वो अच्छे से भुने। मसाला जब तैयार हो जाएगा तब ये तेल छोड़ेगा। आपको दिखेगा साइड में तेल। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं मसाला तैयार हो चुका है। साइड से तेल छूट रहा है। हम अभी थोड़े मात्रा में पानी और दूध डालेंगे इसमें ताकि थोड़ा सा कलर चेंज हो। ये हमने करीबन एक कप जितना पानी डाला है। थोड़ा सा देखिए ग्रेवी की मात्रा थोड़ी बढ़ गई है तो अब इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। अभी आप इसमें थोड़ा दूध डालिए देखिए ऐसे और थोड़ा सा मिलाइए। आपका कलर एकदम हल्का पिंक हो जाएगा। अभी ग्रेवी का कलर आप देखिए ऐसा हो चुका है। अभी आप कटा हुआ पनीर ऐड कीजिए और अच्छे से मिलाएं। अभी आप अच्छे से मिलाइए अच्छे से ग्रेवी को कोट कीजिए। पनीर ताकि सॉफ्ट हो आप गर्म पानी में थोड़े टाइम के लिए इसे भिगो के रखिए। और अभी देखिए अब कितना अच्छा कलर आ रहा है पनीर का और ग्रेवी का। ये अभी आप थोड़ा सा फ्रेश क्रीम दे सकते हैं स्वाद के लिए। मेरे पास ऑलरेडी था तो इसलिए मैं दे रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है और आपके ऊपर है अगर आपको देना है तो। इसमें स्वाद अच्छे से आता है। और अब
अभी आप देखिए रंग एकदम बढ़िया हो चुका है। अभी इसे 2 मिनट आप पकाइए अच्छे से। ये हम मीडियम फ्लेम में पका रहे हैं। आधा टीस्पून कसूरी मेथी लीजिए और हाथ में, अभी आप आधा टीस्पून कसूरी मेथी लीजिए और अच्छे से इसमें डाल दीजिए, अच्छे से मिलाएं। एक बटरी टेस्ट आता है कसूरी मेथी देने से। ये आपका रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बनके तैयार हो चुका है। आप इसे अब रोटी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, ये या फिर जीरा राइस के साथ भी खा सकते हैं।